नमस्कार, जय जगन्नाथ। मुझे तस्मिता आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल डाउन टू द अर्थ को। मुझे आपखे उपस्थापन करने को जाऊँ प्रसिद्ध गाल्पिक पद्मभूषण मनोज दास परेषित अर्धशत किशोर कहानी एक अनन्य कहानी योग्यपाई सुजोग। तो चलतु शुणा। वाराणसी ठू अल्प दूर रे बनस्थरे रहुथिले जणे साधु। दिने से बनस्थ सेपारी देवालय आड़े जाऊथिले, हठात छड़ आसिला, से तले पड़गले। से ही बाट दे जाऊथिला वाराणसी राजा पाट हाथीर महंत। से साधु को तले उठाई निज घर को नहीं गला। परे परे से साधु को ज्वर होला। महंत तांको निजे घरे रखी तांकर सेवा करी तांको सुस्थ कला। साधु अनुभव कले महंतर स्वभाव और चरित्र अति उत्तम। संगे संगे से खूब बुद्धिमान। विदाय नेबा दिन महंत साधु को प्रणाम करते। साधु कहिले, बापा तू राजा हेबा पाई योग्य। परे परे पुनी कहिले, जी जी आसन पाई योग्य सी से आसन पाए ना, किंतु मु तते बर देउछु तू राजा हेबु। महंत शुणी चुप रहिला। साधु प्रति तार प्रगाढ़ भक्ति, तेणु से तांको कही पारिला नहीं जे तांको बरगोटी को व्यर्थ जीव। राजपद किए से किए किछि दिन पर कथा। से ही राज्यर जणे काठुरिया थरे सारा दिन गछ कटाकटी करी बणपाख मंदिर पिंडारे सोई पड़ी थाए। मझिरे असरे मृदु वर्षा होइगला, ता निद भांगी गला। पाख बरगछ डाळरु गोटाए बणुआ मुर्गी ता ऊपर डाळरे विश्राम करुथिबा मुर्गी को कहिबार से सुनी पारिला। अरे दुष्ट, तू एमिति डाळ हलाउछु काहेकि? डाळ पत्ररु पाणी मो उपरे पड़ुछि। तू एबे एमिति केउ विशिष्ट पक्षी जे तो उपरे केइटोपा पाणी पड़िगला बोली मते तू धमक देबाकु साहस करुछु? उपर डाळर मुर्गी सुनाई देला, मु विशिष्ट पक्षी नुह। तू जानिछु कि जदि केही मो मांस खाइब तेबे से पोताधनर संधान पाइब। तळ डाळर मुर्गी जवाब देला। उपर डाळर मुर्गी कहिला, सेतिके तू जानु मो मांसर मूल्य कौन? जी खाइब से राजा हेब। यहाँ तु मुर्गी निदरे सोई पड़िले। उठी बसिला आनंदित तथा उत्तेजित काठुरी। किसी समय अपेक्षा करी से अति सतर्क भावरे गछ चढ़िला। तल डाळर मुर्गी प्रति से भ्रुक्षेप कला नहीं। राजा हेले पोताधनर बा कौन दरकार? से जाई उपर डाळर मुर्गी को धरि नेला। तापरे सीधा चलिला घर को। राणी राणी बोली कही ता स्त्री को संबोधन करी घर भितरे पसिला बेलकु ता स्त्री भाविला काठुरियार मुंड खराब हो जाएछि। किंतु काठुरिया जेते बेले ताको सब कथा जणाइला तार आनंद कहिले न सरी। काल विलंब न करी से मुर्गी मांसरे लोभनीय खाद्य प्रस्तुत कला। चलो नईरे स्नान करी सेहिठारे बसी एहा खाइबा। हुए तो कौनसी राज्यर राजा इहा धाम त्याग करिथिबे। सुवर्ण कलश धरी आसुथिबो हाथी मो मुंडटी ताड़े बढ़ाई देले हेला, कहिला काठुरिया। दुहे जाई नईतुठारे खाद्य पत्र थोई डुबो पकाइछंती। अचानक बन्या से पत्रटी को भसाई नहीं चली गला। किछि दूररे महंत पाट हाथी को स्नान कराउथिला। भासमान पत्ररु बाहरुथिबा चमत्कार बासनारे आकृष्ट होइ से ताको घरे पकाइला। सेतेबेले सकाळ होइ आसुथाय। पात्ररे जेउं सुखाद्य थिला ताहा चिन्हिबारे ताको असुविधा हेला नाही। ताको बेस भोक लागुथिला। से पात्रटी अविलम्बे खाली करिदेला। सेही दिन अपराह्नरे जणे शत्रु राजा वाराणसी आक्रमण कला। वाराणसीर राजा निजे महंत को राजपोषाक राजमुकुट पिंधाई दे निजे महंत बेसरे शत्रुपक्ष को मुकाबिला करने को बाहर। राजा भाविले सेमिति कले से निरापद रहिबे, किंतु शत्रुपक्षर सेनापति राजा को बंदी करने को चाहूला। महंत को मारिदेले से कामटी सहज हेबो मन कर से महंत बेसी राजा उपर को तीर मारा। राजा प्राण गला से उत्तक्त हो राजा बेसी महंत प्रचंड तेज देखा आक्रमणकारी आड़ को हाथी चल राजा पराक्रम उत्साहित हो वाराणसी सैन्य दल शत्रुपक्ष को छिन्छत्र करदे। महंतर तीर से शत्रु राजा मले विजय पर देखागला वाराणसी सेनापति सैन्य मैंने जहाँ को से राजा बोली भाभी से वास्तविक महंत। राजा कौन सी उत्तराधिकारी नथिले। राजा किए हेब से कथा आलोचना करने निमंत मंत्री सेनापति एवं राजपुरोहित भितर मंत्रणा है।
ରାଜପୁରୋହିତ କହିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରାଜା ମହନ୍ତ ଶିରରେ ସ୍ୱୟଂ ରାଜମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ, ସେ କଥାଟି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହନ୍ତ ଯେଭଳି ବିକ୍ରମରେ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ତାହା ଜଣେ ସାହସୀ ରାଜା ପକ୍ଷରେ କରିବା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ସେନାପତି କହିଲେ, ମହନ୍ତ ହିଁ ଶତ୍ରୁ ରାଜାକୁ ମାରିପାରିଲେ, ତାହା କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ନୁହେଁ। ଅତେବ ନୂତନ ରାଜା ରୂପେ ମହନ୍ତ ଅଭିଷେକ ହେଲା। ନୂତନ ରାଜା ପ୍ରଥମେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ସାଧୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଜନ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଏ ସାଧୁ ହେଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଏକ ଅବତାର, ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ।